ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष स्वर्गीय बीपी मंडल की 103वीं जयंती मनाई गई। राजद कार्यालय पटना में बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए। इस दौरान राजद कार्यालय में पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने भी तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए। जयंती समारोह के दौरान बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, एक कालम 29 बिंदुओं पर आप करोगे, तीसवां बिंदु, और ये तीसवां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। आने दो, 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और विवशता को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अंबेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अम्बेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। कमाल है, उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहाँ तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा कि तेजस्वी जी ने भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ें। बाय द नेशनल कमीशन बीपी मंडल साहब के चेयरमैनशिप में बना था, तो उसके पहले भी काका कालकर साहब का रिपोर्ट था, उसको लोगों ने आगे नहीं किया। लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने केवल आरक्षण की बात नहीं की, अनेक अनुशंसाओं किया, जातियों की गणना की, कितनी जातियां इस मुल्क में वो भी बता दिया। आप उसी की गणना करो ना, उसे अलग क्यों जा रहे हो, इन कहीं पर इक्का दुक्का छूट गए होंगे तो उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ें रपट, वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज थी। जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हो चुकी है। संयोग था कि उसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे भाजपा के लोग बहानेबाजी से क्या फायदा, इस को क्यों आक्रोशित कर रहे हो सबको। और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह बीपी सिंह ने कहा था, आंसुओं को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, नतीजा बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि इस भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो और आपका हक क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है। इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है, हमारी प्रतिबद्धता है, जो आपने इस मुल्क को राह दिया था हम उस राह पर चलते रहेंगे,
अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे। आज अच्छे परिणाम कौन हैं? हम तो बुरे परिणाम से बचने के लिए, बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ही नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा, लोग हमें गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं, बिहार की पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ लोग गए। अब उसको नकारने का क्या सवाल है, बहाना बनाने का क्या सवाल है? अच्छा एक आदमी कोई कहो जी, भैया अभी तो पूरी देश की तबीयत खराब है ना, देश की तबीयत पर हम लोगों ने बात की है। हाँ, सत्ता पक्ष के द्वारा सर जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, जदयू की बात करें, बीजेपी की कहें, वीआईपी चाहे हम, सभी पार्टियां आप जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्या सुनने पर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गई है, लगता है कि बिहार के लोगों की समस्या अब कम होगी, अगले भी जनता दरबार लगाएंगे। देखो ना, एक पहले बड़ी समस्या है, इसमें सभी लोग हिम्मत है, आज यह समस्या सबसे बड़ी है, उनके दायित्व का हिस्सा है कि जहाँ भी माइक्रो लेवल पर निचले स्तर पर जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जब आ रही हैं जो सभी लोग सुन रहे हैं, तो जो तेजस्वी जी चर्चा करते हुए तो है समस्या भ्रष्टाचार की, लापरवाही की, आम जनता के प्रति उदासीनता की जो प्रशासन का है। याद रख लीजिए, उस दरबार में लोग जब बातों को कह रहे हैं तो आम लोग हैं, और आम लोग कह रहे हैं कि हे पटना बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग, आपकी नीचे की हुकूमत है बिल्कुल शून्य पर खड़ी है। और सामयिक बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अब आप लोग बताइए क्या है। अब जो मुंह ऊपर से हटा के बोलेंगे वही मैं समझ पाऊंगा, अब फिर जो नहीं। हाँ, बीबी मंडल साहब क्या जयंती है और आज के दिनों में उनकी जो विचार थे, उनकी प्राथमिकता? हम जब एक चित्र के सामने खड़े होते हैं तो चित्र के नहीं, एक चरित्र के सामने खड़े होते हैं, एक इतिहास के साथ खड़े होते हैं कि जो उसकी आज के समय में वह इतिहास वर्तमान को किस दिशा में ले जाने की कल्पना किया था। आज यह सबसे बड़ी सामयिक चीज है पूरे मुल्क में, बीपी मंडल जी, और बीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को लागू करने वाले बीपी सिंह, और जिसके लिए हमारे संघर्ष करते रहे सदियों से लोग, उसको शब्द दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनके समाजवादी पार्टी ने, संसोपाने बांधी कार पिछड़ा भावे सौम्य शाह। यह बीपी मंडल साहब से शुरुआत नहीं हुई, हाँ उन्होंने उसको बिल्कुल लिपिबद्ध किया, जातियों की संख्या, उनकी जो स्थिति थी, सभी चीज़ों को, लेकिन केवल आरक्षण का विषय नहीं था। ये बड़े भ्रम में हैं मुल्क के लोग, उस कमीशन की अनेक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का एक मतलब किसी का हक छीनना नहीं, सदियों से जो अंतिम पायदान पर हैं उनको उठा करके कि राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के विश्व के पैमाने पर खड़ा हो सके। जब कभी कभी कुतर्क लोग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके, अशिक्षित रह करके, असमर्थ रह करके, लवारिस छोड़ करके, बिना किसी साधन के, बिना उनके मन और दिमाग को ऊपर उठाए कि राष्ट्र सबका, यदि सबका राष्ट्र है तो सबको अवसर देना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की कि हम केवल नारों में विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए जो भी हमें त्याग करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। राष्ट्र के सामने आज क्या सवाल है, जातीय गणना करा दो। कभी कभी लोग कहते हैं ये जात है वो जात है ऐसा, अरे तो बीपी मंडल साहब ने जातियों को बकायदे कैटेगराइज कर दिया, उनको तलाश नहीं करना है, केवल उनकी संख्या बता दो। अभी ये जो तर्क देते हैं कि 10 निकले 5 निकले 6 निकले, नहीं,